वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये फैब्रिक पेंटिंग बिगनर्स कोर्स का पार्ट 4 है और सबसे पहले हम डिज़ाइन बना के देख लेते हैं। पहले ही मैंने ड्रॉ कर दिया था, फिर मैंने उसको इरेज करके आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ किया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको मेरी पेंटिंग सिखाने की ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि मैं सारे लाइक काउंट्स को देख के ये देखती हूँ कि कितने लोगों को पसंद आई। किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर रही हैं, तो आप लोग कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप यही पेंसिल यूज़ करें। दूसरी बात ये कि आप पेंसिल से बनाएंगे या कार्बन से बनाएंगे, ट्रेसिंग पेपर से बनाएंगे, लेकिन कभी भी पेन यूज़ नहीं करेंगे, डॉट पेन, क्योंकि मैंने ये गलती की है। मैंने ड्रॉ किया और जब आप पेंट कर लेंगे फिर तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब आप रख देंगे बहुत दिन के बाद वो पेन ऊपर आ जाती है पेंट के, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और आगे की डिज़ाइन देखते हैं। हमारी आज की डिज़ाइन तैयार है, जिसपे मैं आपको फ्लैट ब्रश से करके दिखाऊंगी। अभी तक राउंड से दिखाया था, ये कैमलिन का नंबर 4 ब्रश है फ्लैट। आज मैं दिखाऊंगी कि अगर आप फ्लैट ब्रश से करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सेरुलियन ब्लू कलर है, जो कि मैंने डार्क शेड के तौर पर इस्तेमाल किया है। उसको आप अंदर की तरफ से डार्क और फिर स्काई ब्लू को बाहर से लगाएंगे। अगर आपके पास स्काई ब्लू नहीं है तो आप वाइट मिला के बना भी सकते हैं, या मार्केट में आप तो अवेलेबल है, मैंने मार्केट से लिया था डायरेक्ट। अगर आपके पास ये दोनों कलर नहीं है और आप बिगनर्स हैं, आप सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप यही कलर लगाएं, जो कलर आपके पास है वही लगाइए। मेन ये है कि आपको ब्रश चलाना आ जाए, स्ट्रोक आए, पेंटिंग आए, कलर से मतलब नहीं। और आप अगर आपके पास कलर है तो वेल एंड गुड। और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने सारी क्लासेस देख ली होगी पार्ट 1 से। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिगनर्स कोर्स का पार्ट 4 डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 से देखें। क्लास 1 में मैंने सब कुछ बताया है कि फैब्रिक को पेंट करने से पहले प्रिपेयर कैसे करते हैं। डायरेक्ट कभी भी फैब्रिक पे पेंट नहीं करते। अच्छा, अब हम शेडिंग देखेंगे। पहले मैंने डार्क लगाया था और फिर मैं नीचे की तरफ से स्काई ब्लू जो है हमारा लाइट शेड वो लगा रही हूँ। ये डार्क एंड लाइट मैं आपको लगाना बता रही हूँ। मैं ज़्यादा ब्लैक कलर लगाना अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क कलर लगाना भी अवॉइड करती हूँ। आपको फ्लैट ब्रश में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट है, फ्लैट का ज़्यादा सरफेस एरिया है, उससे शेड करना है, ना कि आपको ब्रश को टिल्ट करके जो कॉर्नर वाला, बस कॉर्नर का एरिया जो, उससे आपको नोक बनानी है। और शेड करते वक्त किसी भी आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो जिस तरफ सरफेस एरिया ज़्यादा है उस तरफ से शेड करेंगे, वरना आपका शेड अच्छा नहीं आएगा। लाइट शेड लगाएंगे। अगर हमें यहाँ लग रहा है कम है तो हम और ले लेंगे वाइट और फिर उस पर और लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करेंगे, एक साथ ही लगा के करने की कोशिश नहीं करेंगे फ्लैट में। और आपके पास एक कपड़ा होना चाहिए जिसमें आप अपना ब्रश साफ कर सकते। बार बार ब्रश धुलते नहीं हैं, लेकिन कपड़े में साफ़ कर सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं या आप बिगनर्स कोर्स कर रहे हैं मेरे चैनल से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना वर्क भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि क्या गलतियां हैं और उसको मैं स्टोरीज़ पे और कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी कम्युनिटी पोस्ट देखने को मिले। मैं आपको सिंपल फ्लावर और लोटस सिखा चुकी हूँ। अब मुझे आपको रोज़ सिखाना है, इसलिए मैंने ये फ्लावर चुना है, क्योंकि ये रोज़ की तरफ है। अब रोज़ सीखना है तो इस तरीके का फ्लावर पहले सीखेंगे। अगर आपको ये फ्लावर बहुत पसंद है या कलर, तो मैंने ऐसे ही फ्लावर से मेज पोस्ट डिज़ाइन पूरी डिज़ाइन और पेंट करके चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है। तो आप चैनल को स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, या आप मेज पोस्ट वाली प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं।
हमारा फ्लावर पेंट हो चुका है, अब हम लीव करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइट बेस लगा रही हूँ, ये बेस वही है सैप ग्रीन में वाइट मिला के जो मैंने आपको क्लास 2 में बताया था। तो मेक श्योर करिए कि आप क्लास 1, 2, 3 देख के फिर क्लास 4 देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आप कोई गलती नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती करें। और हम पहले पूरी भी जितनी लीव है उसको पहले लाइट शेड से फिल कर देंगे। अब हमने अपने लीफ को पहले फिल कर लिया, अब जो है सैप ग्रीन कलर है उसको लेंगे बिल्कुल उसकी नोक पे। अब एक हम लाइन बनाएंगे, कर्व लाइन, और उसको शेड करेंगे। कर्व लाइन बनाएंगे और शेड करेंगे लीफ के डायरेक्शन में, जैसे जैसे जिस शेप में जहाँ जहाँ से वो मुड़ी हुई है वहाँ वहाँ से शेड करेंगे, और इसी तरीके से बनाएंगे लाइट एंड डार्क का शेड है ये। आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने पूरी क्लासेस देखी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्लास 1 देखिए और 2 देखिए। अगर आपको डार्क शेड पसंद है तो आप इसमें और डार्क भी कलर लगा सकते हैं, ब्लैक हल्का सा मिला के। मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। एक साइड से हमने बीच वाले हाफ पार्ट पे डार्क शेड किया, और दूसरी साइड जो है हम फ्रंट के लीफ के कर्व पे डार्क शेड करेंगे। मतलब कि ये अपोजिट शेड है लाइट एंड डार्क का। आप इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है एक बार में आपका एकदम ऐसा शेड ना आए, या बहुत सूख जाए या गीला हो, लेकिन जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी। अब मैं हल्का हल्का वाइट कलर ले रही हूँ और उसके फ्रंट पर लगाएँगे, और उसको उसी डायरेक्शन में, कर्व डायरेक्शन में खींचेंगे, स्ट्रेट नहीं, कर्व डायरेक्शन में खींचेंगे। फिर वाइट लेंगे, एक लाइन बनाएंगे और उसको अब अपोजिट डायरेक्शन में शेड करेंगे। मैं आपको दिखाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये फ्लैट ब्रश की वजह से उतना नहीं दिख रहा है। अब सेकंड लीफ में देखते हैं, वही स्टेप है, पहले फुलफिल करेंगे पूरा लाइट शेड, और सारे स्टेप वही हैं, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
तो आपने देखा कैसे मैंने सेकेंड लीफ बनाई, अब हम थर्ड बनाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आप वीडियो सबसे पहले देख सके या टाइम पे देख सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिए जिसको पेंटिंग पसंद है या जो सीखना चाहता है। हमारी सारी लीव बन चुकी है, तो अब हम 0 नंबर का ब्रश लेंगे या आप 1 भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो 1 और 2 में बताया है। तो और उसके बाद मैं थोड़ा सा ये पार्ट जो होता है फ्लावर के नीचे का वो बनाएंगे और फ्लावर की और लीव की डंटल बनाएंगे। हमेशा बारीक ब्रश से बनाएंगे, या तो 0 लीजिए या 1 लीजिए। आप हेयर देख लीजिए, ब्रश का हेयर ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग के बारे में A to Z सब सीखना चाहते हैं तो क्लास 1 से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रेस करना, कपड़े को धुलना और सारे स्टेप्स ब्रश के बारे में और शेडिंग की सारी टेक्निक बताई है। और अगर आप राउंड ब्रश से करते हैं तो आप राउंड ब्रश वाला प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप फ्लैट ब्रश से करते हैं तो फ्लैट ब्रश वाला। और एक ही बार बना के बस ये नहीं हो गया कि एक बार बना लिए हो गया, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना वर्क भेज सकते हैं जैसे कि आप लोग भेजते हैं, और आपका वर्क बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही यूज़फुल और अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उससे हमारी सब्सक्राइबर फैमिली बड़ी होती है और चैनल को सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे ही नई नई वीडियोस मेरे चैनल पे देखते रहिए, और अगर आपने पुरानी और वो सारी अमेजिंग डिज़ाइंस नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। रोज़ डिज़ाइन, मेस पोश डिज़ाइन, बेडशीट, सूट, पेंटिंग, जिसमें भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अब ये गौर से देखिए कि मैं लाइन कैसे बना रही हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका फ्रेम है उसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैं तो रोटेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आपको शो करना है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। आप ध्यान से देख के बनाएंगे, नस डालना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट आई होप कि आप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।